हेलो दोस्तों, दिस इज़ अदनान फ्रॉम वाइल्ड ब्राइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पोको X3 प्रो पे किस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पोको X3 प्रो पे स्क्रीनशॉट लेना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट जेस्चर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, और जितने भी पॉसिबल वे हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अपने पोको X3 प्रो पे आप बटन्स को यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कौन कौन से बटन्स आप यूज़ करेंगे, उसके लिए आप वॉल्यूम डाउन का बटन और जो पावर का बटन है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे। ये मैंने दोनों को इकट्ठे से दबाया और ये उसने स्क्रीनशॉट ले लिया। आप कंट्रोल सेंटर में मौजूद एक टॉगल को यूज़ करके भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी पोको X3 प्रो पे। किस तरह से आप कंट्रोल सेंटर में हैं, अगर आपके पास नई इंटरफेस वाला कंट्रोल सेंटर जो है वो आपने इनेबल नहीं किया हुआ, तो उसके लिए हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाजमी देखें। आप कंट्रोल सेंटर में आने के बाद जहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का टॉगल नज़र आएगा, सिंपली इस पर टैप करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। पोको X3 प्रो पे बाय डिफ़ॉल्ट आप 3 फिंगर्स को स्लाइड डाउन करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किस तरह से स्क्रीन पे 3 फिंगर्स के साथ स्लाइड डाउन करें तो बड़े कन्वीनियंटली आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस तरह से आपने 3 फिंगर्स को स्लाइड डाउन करके स्क्रीनशॉट लिया, आप इस शॉर्टकट को चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से सेटिंग्स में जाने के बाद आप एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको बटन शॉर्टकट्स की मेन्यू मिलेगी। यहाँ पे टेक अ स्क्रीनशॉट के अंदर जाएं तो स्लाइड 3 फिंगर्स डाउन वाला जेस्चर है, शॉर्टकट जो है वो सिलेक्टेड है। इसके अलावा आप लॉन्ग प्रेस द होम बटन को सिलेक्ट करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने लॉन्ग प्रेस किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इस तरह से मेन्यू का बटन भी सेट किया जा सकता है जो कि ये है। इसी तरह से बैक का बटन भी सेट किया जा सकता है। आप बटन्स के कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं कि जिस तरह पावर प्लस होम, पावर प्लस मेन्यू, पावर प्लस बैक, या आप कोई भी जेस्चर नहीं सेट करना चाहते। पोको X3 प्रो पे ना सिर्फ आप स्टैंडर्ड स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बल्कि एक स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किस तरह से, ये एक मेन्यू स्क्रॉलिंग मेन्यू है। अगर इस सारी का मैं इकट्ठा एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो वो पॉसिबल है। किस तरह से, मैं 3 फिंगर से अगर स्लाइड डाउन करके स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो स्क्रॉल पे मैं टैप करूँगा तो ये स्क्रॉल करके पूरी मेन्यू का स्क्रीनशॉट ले लेगा। ऑटो स्क्रॉल भी हो सकता है या इसे जल्दी से खुद भी स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद डन पे टैप करें तो ये एक पूरी लेंथ वाला स्क्रीनशॉट आपके लिए रेडी है। अपने पोको X3 प्रो पे आप जो भी स्क्रीनशॉट लेंगे उसको आप गैलरी में जाके एल्बम्स के अंदर यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो जनाब, ये थे पोको X3 प्रो पे स्क्रीनशॉट लेने के तरीके। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ अदनान फ्रॉम मोबाइल की प्राइस।